दोस्तों नमस्कार, मैं शुभम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग जाएंगे पंचलिंगेश्वर, जो कि हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर है। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में, इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम आता है और पेट्रोल का कितना खर्चा है सब कुछ डिटेल्स में बताया, तो कृपया लाइन पर बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पेट्रोल पंप में 150 रुपये का पेट्रोल डाल चुके हैं, HP का पेट्रोल पंप है। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग NH-16 के पास खड़े हैं। ये जो छक का नाम है विदु छक, आप जब भी आएंगे इधर से ही जाएंगे तो रास्ता शॉर्ट होगा। अभी इधर से पंचलिंगेश्वर 14 किलोमीटर है, तो चलिए मिलते हैं रास्ते में और सब कुछ अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। देखिए ये वो मंदिर को जाने के रास्ता है। चलिए उठाओ रे ऐसे चाल। अंदर है, अभी हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ घूमने के लिए जा रहे हैं। देखिए इस रास्ते से मैं और हमारे दोस्त लोग कैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। हम लोग अभी जा रहे हैं वो छोटा सा मंदिर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम अभी लोग पहाड़ के अंदर एक छोटा सा मंदिर है माँ का, अभी इधर आए हुए हैं घूमने के लिए। देखिए इधर एक तालाब है जो कि सूख गया है, ठीक है ये देखिए। माँ का मंदिर है, ये पानी भी सूख गया। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। इधर से इधर के पास है एक जगन्नाथ मंदिर जिसका नाम है नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर, उधर जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं रास्ते में।
हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अभी मंदिर के अंदर आ चुके हैं। देखिए, ये मंदिर है। ये जो प्रसाद लेने के लिए इधर जाना पड़ता है, अभी हम लोग जा रहे हैं। चलिए बाहर आते हैं। दिस इज रेड मार्बल, ज़्यादा मत बोल। चले इनको लेने। ये मंदिर का द्वार है और ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं, ये राजा ने बनाया था। ये राजा का भवन है, देखिए। चलिए राजा का भवन, राजा की भवन पर हम जाते हैं। देखिए, ये राजा का भवन है, कितना बड़ा है। देखिए, उस टाइम पे वो ये बनाया गया था। कितना बड़ा गेट है, देखिए। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये जो कुआं देख रहे हैं, इसका रास्ता इधर से भी है। ये रास्ता है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। बाहर ही देखिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी बहुत तो टाइम हो गया है, अभी घर को जाने का भी टाइम हो गया है। चलिए, रात भी बहुत हो चुका है, शाम होने अंधेरा होने ही वाला है। इस मोबाइल से मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, घर को पहुँचने के बाद आप लोगों से बात करता हूँ, तब तक। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी भी जस्ट हम लोग आके घर को पहुँचे हैं, और रात में वीडियो बना पाना भी इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं बना पाया। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कुछ दिल में है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।